दोस्तों जैसे कि स्क्रीन पे आपको यहाँ पर सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दिखाई दे रहा है, उसके बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है सी कैप इक्वल टू सी वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ऑफ सी वेक्टर, और नीचे लिखा हुआ है कि इक्वल टू थ्री आई कैप प्लस जे कैप डिवाइड बाई रूट ओवर ऑफ 10। ये जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है, सारे इक्वेशन में आप लोगों को एम एस वर्ड एप्लीकेशन के मदद से टाइप करके लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख के अच्छे से समझ लेते हो, तो चाहे आपके सामने किसी भी टाइप का इक्वेशन क्यों ना हो जहां पर आपको वेक्टर एंड कैप डालना हो, आप बहुत ही आसानी से वेक्टर एंड कैप को डाल सकते हो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख के समझ लेते हो तो। अगर आपको किसी दूसरे टाइप के इक्वेशन की जरूरत है, तो मैं बहुत सारे अलग अलग टाइप के इक्वेशन के ऊपर वीडियो प्रोवाइड करके रखा हूँ कि कैसे एम एस वर्ड एप्लीकेशन के मदद से लिखना है। आपको सारे वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में एम एस वर्ड नाम के एक प्रोफाइल में आपको मिल जाएगा, तो आप वहां पर जाके देख सकते हो। मैं उस प्रोफाइल का लिंक मतलब प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके भी देख सकते हो। आइए मैं आप लोग इस वीडियो के माध्यम से इन सारे इक्वेशन को एम एस वर्ड एप्लीकेशन के मदद से लाइव प्रूफ टाइप करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि स्क्रीन पे आपको यहाँ पर एम एस वर्ड एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पर आपको एम एस वर्ड एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है। तो मैं सबसे पहले एम एस वर्ड को ओपन कर रहा हूँ। एम एस वर्ड को ओपन करने के बाद आपके सामने भी कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा, एंड यहाँ पर आपको एक प्लस वाला आइकन दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर ऊपर में प्लस वाला आइकन के ऊपर एक बार क्लिक कर लेना है। प्लस वाला आइकन के ऊपर एक बार क्लिक कर लेने के बाद देखो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ए वाला ब्लैंक डॉक्यूमेंट, क्लियर। तो आपको यहाँ पर एक बार क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पर एक बार क्लिक कर रहा हूँ। ब्लैंक डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। देखो आगे अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका पेज किस टाइप का दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो इस टाइप का दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपका हर टाइम जूम इन जूम आउट होते रहता है, ओके। इसलिए आप सबसे पहले यहाँ पर एक बार क्लिक करके आप काम करना, तब आपका कोई भी जूम इन जूम आउट नहीं होगा एंड आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा। देखो मैंने यहाँ पर एक बार क्लिक कर दिया, क्लियर। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो मैं सारी चीज़ें दिखाता हूँ आपको। मैं सबसे पहले एक काम कर लेता हूँ, मैं एक बार बैक बटन पर क्लिक कर रहा हूँ और एक बार बैक बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, एंड यहाँ पर मैं इस प्रोफाइल वाला सेक्शन पर क्लिक कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो मैंने जो इक्वेशन आपको अभी दिखाई है, सारे इक्वेशन मैंने यहाँ पर टाइप किया हुआ है, ठीक है, मैंने टाइप करके रखा हूँ। अभी इन सारे इक्वेशन को देख के मैं नीचे आप लोगों के सामने लाइव प्रूफ टाइप करके दिखाऊँगा, ओके। अगर यहाँ से देख के मैं नीचे लिखूंगा तो थोड़ा सा टाइम का बचत होगा एंड आप और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा एंड मेरे लिखने में भी थोड़ा सा मदद होगा, ठीक है। तो मैं इन सारे इक्वेशन को देख के यहाँ पर नीचे लिखने की कोशिश करता हूँ। तो आपको इक्वेशन को लिखने के लिए सबसे पहले करना क्या होगा, देखो यहाँ पर ये जो पेंसिल वाला आइकन दिखाई दे रहा है, आपको इस पेंसिल वाला आइकन के ऊपर एक बार क्लिक कर लेना है। सबसे पहले देखो पेंसिल वाला आइकन के ऊपर जैसे ही क्लिक कर दे तो मेरा नीचे कीबोर्ड निकल के आ गया है। अभी मैं स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ रहा हूँ, नीचे एक बार क्लिक कर दिया, देखो यहाँ पर नीचे मेरा क्लिक हो चुका है। अभी मैं क्या करूँगा, देखो अभी मैं सबसे पहले यहाँ पर एक बार क्लिक करूँगा, ठीक है। तो इस आइकन के ऊपर एक बार क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर मेरे सामने एक होम वाला बटन दिखाई दे रहा है, तो मैं होम वाला बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। होम वाला बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं इंसर्ट वाला सेक्शन पर क्लिक कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर इंसर्ट वाला सेक्शन पर क्लिक कर रहा हूँ। इंसर्ट वाला सेक्शन पर क्लिक करने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ, इंसर्ट वाला सेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से स्क्रॉल करूँगा तो मेरे सामने एक इक्वेशन वाला सेक्शन देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर इक्वेशन, ठीक है। तो मुझे इक्वेशन पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे इक्वेशन पे क्लिक कर दो, देखो यहाँ पर इक्वेशन का एक बॉक्स निकल के आ चुका है यहाँ पर। अभी मुझे एक बार यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर, क्लियर। तो मैं यहाँ पर एक बार क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखो मेरा कीबोर्ड निकल के आ चुका है। तो इसी तरह से आपका भी कीबोर्ड निकल के आ जाएगा अगर आप भी इस प्रोसेस को अप्लाई करते हो तो। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर लिखना है सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो मैं लिख रहा हूँ, देखिए दोस्तों सबसे पहले मैंने सी लिख दिया यहाँ पर कीबोर्ड से, ठीक है। उसके बाद मुझे वेक्टर डालना है। तो वेक्टर डालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे यहाँ पर 1 2 3 पे क्लिक करना होगा। तो मैं 1 2 3 पे क्लिक कर रहा हूँ। 1 2 3 पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ए वाला को मैं सिंबल कहूँगा, ठीक है। तो सिंबल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखो सिंबल पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर ए वाला सिंबल ले लेना है, क्लियर। तो मैं ले रहा हूँ ए वाला सिंबल। ले लेने के बाद आपको ए बी सी पे क्लिक करना है, देखो इसको मैं ए बी सी कहूँगा, ए बी सी पे क्लिक करना है। ए बी सी पे क्लिक करने के बाद आपको लिखना है वी ई सी। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, एक बार इसको मैं स्पेस कहूँगा, मतलब स्पेस पे क्लिक करना है। देखो यहाँ पर जैसे क्लिक कर दे तो सी के ऊपर वेक्टर आ गया है। उसके बाद फिर से एक बार स्पेस पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो एकदम सी के ऊपर में वेक्टर आ गया है। उसके बाद मुझे इक्वल टू डालना है। तो इक्वल टू डालने के लिए मैं 1 2 3 पे क्लिक कर रहा हूँ, सिंबल पे क्लिक कर रहा हूँ, एंड यहाँ से मैं ए वाला इक्वल टू को ले रहा हूँ, क्लियर।
देखो इक्वल टू को ले लिया, उसके बाद मुझे लिखना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो सबसे पहले मैंने ए बी सी के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद ए के ऊपर क्लिक किया, ए आ चुका है। उसके बाद वेक्टर लेने के लिए 1 2 3 पे क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद सिंबल पे क्लिक कर रहा हूँ एंड यहाँ से मैं ए वाला सिंबल को ले रहा हूँ। क्लियर, देखो यहाँ पर ए वाला सिंबल के ऊपर क्लिक कर दिया, उसके बाद ए बी सी के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे फिर से वेक्टर लेना है तो वी ई सी लिख दिया, उसके बाद एक बार स्पेस, उसके बाद फिर से एक बार स्पेस। देखो सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर आ चुका है, उसके बाद प्लस डालना है तो मैं यहाँ पर जे को लॉन्ग प्रेस करूँगा। देखो जे के बगल में मेरा प्लस डाला हुआ है तो प्लस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखो जे को लॉन्ग प्रेस किया, प्लस आ चुका है। उसके बाद मुझे लिखना है बी वेक्टर, तो मैंने बी के ऊपर क्लिक कर दिया, उसके बाद 1 2 3 के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, सिंबल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ एंड यहाँ से मैं ए वाला सिंबल को ले रहा हूँ, ले लिया। उसके बाद ए बी सी पे क्लिक कर रहा हूँ एंड मैं यहाँ पर लिखूंगा वी ई सी, उसके बाद एक बार स्पेस, देखो उसके बाद फिर से एक बार स्पेस। देखो ऊपर वाला लाइन जो है सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यहाँ पर आ चुका है अच्छे तरीके से। उसके बाद मुझे यहाँ पर ए वाला इक्वेशन को लिखना है। क्लियर, तो मैं अभी लिख के आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लिक करके एक बार एंटर कर ले रहा हूँ, एंटर कर लिया। उसके बाद मैं फिर से एक बार यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर होम बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, होम बटन पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर इंसर्ट वाला बटन पर क्लिक करूँगा, ए वाला इंसर्ट वाला बटन पर, ठीक है, ए वाला इंसर्ट वाला बटन पर, इंसर्ट वाला बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं स्क्रॉल करूँगा एंड देखो मुझे यहाँ पर एक इक्वेशन वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पर। क्लियर, तो मैं इक्वेशन वाला सेक्शन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो इसी तरह से आपको भी क्या करना है, जितने सारे अलग अलग इक्वेशन लिखने हैं सारे इक्वेशन के लिए आपको अलग अलग बार इक्वेशन वाला सेक्शन पे जाके आपको इस टाइप की एक फाइल इंसर्ट करना होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने ए वाला लाइन लिखा तो उसके लिए अलग फाइल इंसर्ट किया था, अभी ए वाला लाइन लिखूंगा तो उसके लिए अलग यहाँ पर लाइन इंसर्ट कर लिया। इतना क्लियर, उसके बाद मुझे क्या करना होगा, सी कैप लिखना है सबसे पहले। देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सी कैप इक्वल टू सी वेक्टर बाय मॉड ऑफ सी वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप डिवाइड बाई रूट ओवर ऑफ 10। ठीक है, तो सबसे पहले सी कैप लिखना है, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर सी पे क्लिक कर दिया, सी आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर मैं 1 2 3 पे क्लिक कर रहा हूँ, 1 2 3 पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं सिंबल पे क्लिक कर रहा हूँ, सिंबल पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से ए वाला सिंबल को ले रहा हूँ। देखो ए वाला सिंबल को ले लिया, उसके बाद मैं फिर से यहाँ पर ए बी सी पे क्लिक कर रहा हूँ, ए बी सी पे क्लिक कर दिया। उसके बाद मुझे लिखना है HAT, ठीक है, उसके बाद एक बार स्पेस पे क्लिक करना है। देखो सी के ऊपर कैप आ चुका है, एक बार फिर से स्पेस पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो एकदम ऊपर में आ चुका है। उसके बाद मुझे इक्वल टू लेने के लिए 1 2 3 सिंबल इक्वल टू, उसके बाद मुझे ऊपर में लिखना है सी वेक्टर, नीचे लिखना है मॉड ऑफ सी वेक्टर। तो ऊपर बाय नीचे करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको सबसे पहले यहाँ पर ए बी सी में क्लिक करना होगा, मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखो ए बी सी में क्लिक कर दिया। उसके बाद 1 2 3 में क्लिक करना है एंड यहाँ से मुझे ए वाला सिंबल को लेना है, तो मैं ले रहा हूँ। देखो ए वाला सिंबल को ले लिया, उसके बाद एक बार यहाँ पर क्लिक करके स्पेस बटन पे मतलब स्पेस कर देना है। देखो यहाँ पर क्लिक कर दिया तो स्पेस हो गया एंड ऊपर बाय नीचे मेरा हो चुका है। अभी मुझे ऊपर में लिखना है सी वेक्टर, तो मैंने ऊपर में क्लिक कर दिया, देखो सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद मैंने सी के ऊपर क्लिक कर दिया, सी आ चुका है। उसके बाद 1 2 3 सिंबल या से वाला सिंबल, उसके बाद ए बी सी, उसके बाद मुझे लिखना है वी ई सी, उसके बाद एक बार स्पेस, उसके बाद फिर से एक बार स्पेस। देखो सी वेक्टर आ चुका है, उसके बाद नीचे लिखना है मुझे सबसे पहले मॉड, तो ए 1 2 3 सिंबल एंड यहाँ से मैं ए वाला सिंबल को ले रहा हूँ। क्लियर, देखो ए वाला सिंबल को ले लिया। उसके बाद मुझे लिखना है सी, तो सबसे पहले मैं ए बी सी पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ से सी के ऊपर क्लिक कर दिया। उसके बाद 1 2 3 सिंबल एंड यहाँ से मैं ए वाला सिंबल को ले रहा हूँ। देखो ए वाला सिंबल को ले लिया, उसके बाद सबसे पहले ए बी सी, उसके बाद मुझे लिखना है वी ई सी, उसके बाद वी हो गया वी ई सी, उसके बाद एक बार स्पेस, उसके बाद फिर से एक बार स्पेस। देखो सी के ऊपर वेक्टर आ चुका है, उसके बाद फिर से 1 2 3 सिंबल एंड यहाँ से फिर से मैं ए वाला सिंबल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। देखो मॉड हो चुका है, उसके बाद मुझे लिखना है इक्वल टू मिडिल में, तो मिडिल में क्लिक कर दिया। उसके बाद इक्वल टू पे क्लिक कर दिया, उसके बाद फिर से ए बी सी 1 2 3, उसके बाद ए वाला सिंबल, उसके बाद एक बार स्पेस। क्लियर, उसके बाद मुझे लिखना है 3i कैप, देखो 3 लिख दिया, उसके बाद i लिख दिया, उसके बाद 1 2 3 सिंबल, उसके बाद ए वाला सिंबल, उसके बाद ए बी सी, उसके बाद HAT, उसके बाद एक बार स्पेस, उसके बाद फिर से एक बार स्पेस। देखो 3i कैप आ चुका है, उसके बाद प्लस, तो जे को लॉन्ग प्रेस करूंगा, प्लस आ चुका है। उसके बाद J कैप, देखो जे के ऊपर क्लिक कर दिया, उसके बाद 1 2 3 सिंबल ए वाला सिंबल, कैप लिखना है तो मैं लिखूंगा HAT, उसके बाद एक बार स्पेस, उसके बाद फिर से एक बार स्पेस। देखो 3i कैप प्लस J कैप आ चुका है एंड नीचे लिखना है मुझे रूट ओवर ऑफ 10, तो सबसे पहले 1 2 3 सिंबल एंड यहाँ से मैं ए वाला रूट ओवर को ले लूँगा। क्लियर,
एक उल्टा वर्ग को ले लिया, उसके बाद मुझे फर्स्ट ब्रैकेट लेना है, ठीक है, तो मैं यहाँ से फर्स्ट ब्रैकेट को लूँगा। देखो फर्स्ट ब्रैकेट को ले लिया, उसके बाद 1 0 डाल दिया, उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज कर दिया, उसके बाद एक बार स्पेस। तो देखो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर ए वाला इक्वेशन बन के तैयार हो चुका है, बिल्कुल सेम टू सेम डिटो यहाँ पर कॉपी बन चुका है, क्लियर ना। तो इसी प्रोसेस को अप्लाई करके आप भी आपके मोबाइल फ़ोन की मदद से एमएस वर्ड एप्लीकेशन के अंदर इस टाइप की इक्वेशन आप डाल सकते हो, मतलब फैक्टर डालना हो या कैप डालना हो आप बहुत ही आसानी से डाल सकते हो, क्लियर। अगर आपको क्या करना है, इन सारे इक्वेशन को थोड़ा सा जूम करना है, बड़ा करना है, क्योंकि देखो मैं एक बार यहाँ पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो इक्वेशन बहुत ही छोटा हो जाएगा, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्लिक करते तो बहुत ही छोटा हो गया, तो आपको बड़ा करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर एक बार क्लिक करना होगा। देखो यहाँ पर एक बार क्लिक करना होगा, तो मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखो साइज दिखाई दे रहा है 11, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देखो यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ मैं, ये 11 पे क्लिक कर दिया, उसके बाद यहाँ से स्क्रॉल करके आपको जितना साइज लेना है उतना साइज सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर 28 सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखो बड़ा हो चुका है। अगर आपको और भी बड़ा लेना है तो आप यहाँ से और भी 36 भी सिलेक्ट कर सकते हो, क्लियर ना। तो इसी तरह से आपको जो वाला इक्वेशन का साइज जितना लेना है तो यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से आप साइज चूज कर सकते हो। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छे से पता चल चुका है कि कैसे एक वेक्टर टाइप का इक्वेशन लिखना है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में बता चुका हूँ। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद मदद मिल चुकी है तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक करना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को दबा देना, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपके सामने सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं इसी तरह के हेल्पफुल एंड कमाल के वीडियो में, तब तक के लेट्स गुड बाय फ्रॉम मी, बी गुड टू गुड सेलिब्रिटी, विल फॉलो।